मैंने शोषण के विरोध में मैंने आत्मदाह का प्रयास भी करा था, परंतु यहाँ भी नहीं किया था क्या, परंतु इन लोगों ने मुझे बचा लिया। तुम हम इस एक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं जो दिल्ली के पैसे, दिल्ली जी की जनता के, गरीब जनता के पैसे, जिसको सीधा ठेकेदारों की जेब में दिया जाता है। पिछला जो आउटसोर्स एजेंसी को जो ठेका दिया गया था ना, वो 1,35,000 के पास पास पर एम्बुलेंस का था। अच्छा, कि चलाने का उसको खर्चा दिया जाता था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बार उस खर्चे को बढ़ा के लगभग पूरा 2,00,000 कर दिया। और एक कर्मचारी कहता है कि मुझे सैलरी दे दो, नहीं तो उसमें आपका न्यूनतम वेतन भी तो बढ़ा है। न्यूनतम वेतन तो पिछले से बढ़ा हुआ था, जब उस कंपनी ने लिया भी 2017 से मिल रहा था, पिछले से मिल रहा था। अच्छा। न्यूनतम वेतन हमें मिल रहा था, लेकिन ठेकेदार क्या करता है, न्यूनतम वेतन तो दे देता है, लेकिन वो पेनल्टी के नाम पे, किसी चीज के नाम पे आपके 5,000 से 7,000 काट लेता है। तो कागजों में तो व्यवस्थाएं बनी हुई है, लेकिन आप हकीकत में जाके देखे तो व्यवस्थाएं नहीं है, कागजों में तो बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई है? दो शब्द में। अच्छा, आ जाइए, इधर आइए। आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए। सर, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से दो ही बात कहना चाहते हैं कि पहली बात तो कोई भी ठेकेदार हो, वो पैसा कमाने के लिए जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। समाज का, चलिए अब ठीक रहेगा, कोई भी ठेकेदार हो जी, कोई भी हो, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सब, मेरा नाम राजन कुमार है सर जी, आप बताइए। और मैंने शोषण के विरोध में, बिल्कुल मेरे बच्चे बड़े बड़े बच्चे होने जा रहे हैं शादी। कितना उम्र हो गया आपका? मेरी 42 साल उम्र है। मैंने आत्मदाह का प्रयास भी करा था। अच्छा, परंतु आप भी नहीं किया था क्या? परंतु इन लोगों ने मुझे बचा लिया। पहले ये बताइए, अभी जो पेपर में मैंने पढ़ा था आत्मदाह का प्रयास आपने किया था, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? सर एक बात बताओ, मेरे बच्चे ब्याह लायक हो रहे हैं, ठीक है, बड़ी बेटी भी पढ़ रही है, छोटी बेटियां भी स्कूल जा रही है, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है मेरे, और ऐसे समय में इन्होंने सारा ठेकेदारी में दे दिया। अधिकारियों ने इतना बुरा शोषण कर रखा है, काम धंधा कुछ और है नहीं, इसी के सहारे चल रहे थे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको खुदा ना खास्ते कुछ हो जाता तो आपने सोचा आपके परिवार का क्या होता? सरकार देखने आती? सरकार देखने नहीं आती, मेरे परिवार वाले दर दर की भीख मांगते थे। तो ऐसा काम क्यों करते हैं बताइए? सर एक बात बताओ, एक मैं एक पिता हूँ, एक बात बताओ, देखिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं एक पिता हूँ, 42 साल की मेरी उम्र हो गई है, 42-43 की, क्या मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने भूख से बिलकता जी, मतलब दर दर की ठोकरें खाता मैं नहीं देख सकता? मेरा इतना जमीर मरा हुआ नहीं है जी कि मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देखूं जी। इसलिए अपने बच्चों की बर्बादी देखने से तो अच्छा है कि यार मैं खुद ही को जो बर्बाद कर लूँ, कम से कम मैं नहीं रहूँगा तो मैं देख तो नहीं पाऊंगा। तो देख नहीं पाएगा तो स्वार्थी हो गए ना? है नहीं तो स्वार्थी हो गए सर, ये स्वार्थ की बात नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है ये सर, स्वार्थ की बात मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बात है आपकी जिम्मेवारी है, आप परिवार के मुखिया हैं अपने, ठीक है, और चाहे परिस्थिति जो भी हो आपको लड़ना है। अगर आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको जानेंगे आपके बच्चे तो फ़र्क महसूस करेंगे कि भाई मेरे पिताजी लड़ रहे हैं, गलत उनके साथ हुआ है, लेकिन आप उनको छोड़ के चले जाएंगे तो सरकार 1 रुपया भी नहीं देगा, जान लीजिए सर। मैं जानता, खुश होगा और खुश हो जाएगा कि चलो हमारा एक जो है ना, एक हट गया, कम हो गया। सर मैं जानता हूँ जी, मैं सब कुछ जानता हूँ, समझदार आदमी हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतना मानसिक दबाव आ गया है ना हम कर्मचारियों के दिमागों में, इतना मानसिक दबाव आ चुका है कि बस कह नहीं सकते। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज मेरा गला भी बैठा हुआ है और तबीयत भी ढीली है, अभी ठीक हूँ लेकिन ढीली है, कि पहली बात तो मैं दिल्ली की जनता से भी और सारे मंत्रियों से कहना चाहता हूँ कि भैया कोई भी ठेकेदार धर्म कर्म का कार्य करने नहीं आता, समाज की सेवा करने नहीं आता, कोई नहीं। यदि मैं भी ठेकेदार होता या कोई दूसरा भी ठेकेदार होता तो सबसे पहले वो अपना प्रॉफिट कमाता जी, इसलिए समाज की सेवा का काम तो सिर्फ सरकार ही कर सकती है जी, इसीलिए इस एम्बुलेंस सेवा को सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए जी जी। और दूसरी बात कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के मंत्री महोदय, आपने जो अपने आसपास, आपके जो आसपास ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो इन लोगों ने आपके आंखों के सामने, आपके चारों तरफ एक मोह माया और एक लोभ और एक लालच की या एक अपनी समझदारी की जो दीवार खड़ी कर दी है, और उस दीवार के आगे आप जमीनी हकीकतों को नहीं पहचान रहे हो साहब, आप इनको पहचान लो।
जी। ये वो लोग हैं जो आपकी सत्ता चली जाएगी तो किसी दूसरी सत्ता में बैठे रहेंगे, इनकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी तो नौकरी पक्की है, उनकी तो नौकरी आपकी नहीं है, उनकी नौकरियां तो पक्की है। आप तो स्वास्थ्य मंत्री जी सत्येंद्र जैन जी, केजरीवाल जी बिल्कुल मेरी हाथ जोड़ के है कि ये इन लोगों के मोह माया जाल से हट जाओ। यदि आप इसका निजीकरण समाप्त करते हो तो आज मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये इस सरकार के लिए नहीं, ये केजरीवाल सरकार के लिए एक ऐसा कदम होगा जो पूरे भारत में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का झंडा लहराएगा, एक ऐसा जो बुलंद झंडा कि जिसमें आने वाली तारीखों में इनका नाम, सत्येंद्र जैन जी का नाम, केजरीवाल जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये एक ऐसा बंदा था, ये एक ऐसा आदमी है, ये एक ऐसे लोग हैं, इनके परिवारों को दूर से सल्यूट होगा कि भाइयों ये वो बंदे हैं, ये वो सरकार है आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने जब चारों पूरे देश में निजीकरण का जहर फैल रहा था तो इन्होंने अपने यहाँ बुलंद झंडा निभा करके बुलंद इरादों के साथ इस निजीकरण के जहरीले सांप को उखाड़ फेंका। तब आप देखना इस देश में, इस पूरे समाज में आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। यदि बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन मेरी गुजारिश है जी, आगे ऐसा ना करेंगे। लड़िए, अच्छी बात है, क्या लड़ना अच्छी बात है, ठीक से आपका परिवार रहेगा ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप किसके लिए नौकरी करते हो? बच्चों, नौकरी किसी बच्चों के लिए करते हो ना, आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा? मेरा भी बच्चा है, ठीक, कितना भी कुछ हो जाए तो क्या होता है ना, माँ बाप क्या होता है, बच्चा के ऊपर कुछ आँच आता है तो उसके सामने खड़ा हो जाता है। एक बच्चा को देखते हैं, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, किसी माँ ने भाग से लड़ गया बच्चे के लिए, है कि नहीं? आप ही जब छोड़ के भाग जाओगे तो फिर बच्चा का क्या होगा? सरकार उकार तो आज ये है कल वो हो जाएगी, है कि नहीं? सबसे बड़ी आपकी हिम्मत है, बहुत अच्छा काम कर रहे आप लोग, लड़ो, बहुत बहुत धन्यवाद।